हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रेडमी 9 पावर के अंदर कॉल रिकॉर्ड कैसे करें। रेडमी 9 पावर के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद भी अगर आपको अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है तो भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आ जाए तो आप किस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस उसमें आपको कॉल रिकॉर्डर का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि उसमें आपको कॉल रिकॉर्डर का सपोर्ट देखने नहीं मिलता, फिर भी आप उसके अंदर कॉल रिकॉर्ड कैसे करें। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है प्ले स्टोर से, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना कोई जो आपको प्ले स्टोर से कर सकते हैं। लेकिन प्ले स्टोर पर ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कॉल रिकॉर्डर नाम से, लेकिन सारे काम नहीं करते, आपने देखा होगा। तो मैंने एक एप्लीकेशन ढूंढ के रखा है जो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि वह कौन सा एप्लीकेशन है और उसमें आपको कुछ सेटिंग करनी रहती है, उसके बाद अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम आपको बता देते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है जो हमने ढूंढ कर सर्च कर रखा है, हमने अपनी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है। यहाँ से मैं बता देता हूँ कॉल रिकॉर्डर, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ये एप्लीकेशन है कॉल रिकॉर्डर नाम से, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलता तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं। जैसे जब आप इसे ओपन करते हैं तब आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ आपको करना है सबसे पहले ग्रांट परमिशन, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाले ग्रांट परमिशन जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये कुछ अलाउ मांगेगा, वो यहाँ से आप इसे अलाउ कर देंगे जो जो मान लिया है यहाँ से। जब आप इसे अलाउ कर देंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। जब आप यहाँ आ जाएँ तो यहाँ से आप इसे स्वाइप कर दें, डायरेक्ट सबसे नीचे आ जाएँ। सबसे नीचे यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, डाउनलोड सर्विस में कॉल रिकॉर्डर ऐप कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है एक्स शेयर एस एम टी। तो आपको एक्स शेयर वाले से कुछ नहीं करना है, कॉल रिकॉर्डर वाले को ओपन कर लेना है। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ से आप इसे ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद आप इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ से आ जाएंगे बैक, जैसे ही आप यहाँ से बैक आ जाएंगे तो यहाँ आपको पिन मांगता है आपकी सिक्योरिटी की डिजिट, सिंपली यहाँ से आप कोई भी एक पिन सेलेक्ट कर लेते हैं जो आपको करना हो। मैं कर देता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, इसे करेंगे कन्फर्म। यहाँ से हमने अपना पिन कंफर्म कर दिया है। पिन कंफर्म करने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है, तो इसे आप मेल आईडी देके ओके कर सकते हैं अपनी, यहाँ से इसे कर देंगे गॉट इट ओके। यहाँ से जब आपका फाइनली आपकी जो सेटिंग थी वो एप्लीकेशन की कंप्लीट हो गई, यहाँ से आपको कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं आपको एक लाइव कॉल रिकॉर्डिंग करके बताता हूँ और आपको उसमें सुनवाऊंगा। गाइस ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसमें आपको एड देखने के लिए मिलते रहेंगे, कभी कभी एड आएंगे, कभी बाद में ये ना कहना कि ऐड आए हमारे फोन में, ऐड आपको एडजस्ट करनी है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ से हम अपने डायलर में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने अपना डायल पैड ओपन कर लिया, अब हम इसमें एक नंबर डायल करेंगे, कोई भी नंबर हम डायल कर लेते हैं। यहाँ से हम एक नंबर लगा देते हैं, सर्विस नंबर है दोस्तों, तो इसे हम डायल कर देते हैं। यहाँ से हमने अपनी कॉल कट कर दी है। अब हमने कॉल कटने के बाद हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जो कि रिकॉर्ड हुई वो आपको मैं सुनवाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम आपको ले चलते हैं फिर से भाई अपने एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन में आ जाएंगे वो कॉल रिकॉर्डर वाले में। तो यहाँ से हम अपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसे ओपन करते हैं, ओपन करने से यहाँ से आपको पिन मांगता है, जो आपने पिन डाला था अपने एप्लीकेशन में जब सेटिंग करते थे, यहाँ से अपना भाई पिन ले लें। आप 15 सेकंड में बनाइए अपनी व्हाट्सएप दुकान एकदम फ्री में और सामान बेचिए ऑनलाइन। पहले अपने स्टोर को रजिस्टर, ये मैंने पहले बता दिया आपको, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसमें आपको ऐड देखने के लिए मिलता रहेगा। जैसे हमने अभी कॉल लगाई थी जियो कंप्लेंट नंबर है जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ऊपर आती है हमारी कॉल। इससे पहले ही जो भी मैंने कॉल की थी वो सारी रिकॉर्ड हुई, मैंने अभी जो कॉल की वो आपको सुनवाने वाला हूँ। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मैंने कॉल रिकॉर्ड की वो भी आपको लाइव सुनवा दी। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई
आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले।